सब लोग भाव बनाओ आंख बंद करके, सब लोग भाव बनाओ कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। चलो सब यमुना जी, टीवी पर जो देख रहे हैं आप भाव बनाओ कि आप वृंदावन आ रहे हैं, सब भाव से वृंदावन आओ और सब भाव बनाओ कि हम यमुना जी नहा रहे हैं। अब यमुना जी नहा के सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। अब सब लोग भाव बनाओ कि हम लोग बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, देहरी को प्रणाम करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सामने पर्दा लगा हुआ है, पर्दा खोलने का हम इंतजार कर रहे हैं। तभी पर्दा खोला, सब लोग भाव बनाओ कि पर्दा खोलते ही आपने बिहारी जी का दर्शन किया। सब दर्शन करिए बिहारी जी का, उनके सुंदर से मुकुट का, मुकुट पर लगे मोर पंख का, उनके सुंदर सी आंखों का, सुंदर से गालों का, सुंदर से गले का, हृदय का, भगवान बिहारी जी के एक एक अंग का बहुत प्रेम से दर्शन कीजिए। और ऐसे दर्शन कीजिए, ऐसे दर्शन कीजिए कि बिहारी जी मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर बैठ जाएं। अब भाव बनाइए कि आपने सुंदर सा एक झूला, स्वर्ण सोने का झूला, रत्न जटित झूला, आप भाव बनाइए कि उस झूले में आपने बिहारी जी को और श्री राधा रानी को बिठाया और सावन के महीने में आप दोनों को झूला झूला रहे हैं। सब भाव बनाइए कि आप बिहारी जी को, श्री किशोरी जी को झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ सब लोग कि हम बिहारी जी के लिए सुंदर से लड्डू बना रहे हैं, बढ़िया देसी घी के सुंदर लड्डू। अब भाव बनाओ कि तुलसी का पत्ता डालकर सुंदर सी थाल में सजाकर वो लड्डुओं का हम श्री राधा रानी को और श्री श्याम सुंदर को भोग लगा रहे हैं। भाव बनाइए कि आप गोविंद को, श्याम सुंदर को भोग लगा रहे हैं, श्री राधा रानी जी को सुंदर से लड्डुओं का भोग। अब लड्डुओं का भोग लगा के अब भाव बनाइए सुंदर से कमल के पुष्पों की माला, दो माला बनाई और एक माला आपने श्याम सुंदर को दी, एक माला राधा रानी को, और कहा कि प्रभु एक दूसरे के गले में आप ही पहना दीजिए। अब श्याम सुंदर श्री राधा रानी को माला पहना रहे हैं और श्री राधा रानी श्याम सुंदर को माला पहना रही हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आप इस सुंदर सी छवि का दर्शन कर रहे हैं। अब आपके सामने राधा रानी और श्याम सुंदर सुंदर से दर्शन है। अब आप भाव बनाइए कि केवट की तरह आप भगवान के चरण पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं, फिर चरण अमृत ले रहे हैं। फिर आप भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर के चरण दबा रहे हैं जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं। फिर आप भाव बनाइए कि आपने श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के चरणों को उठाकर आपने अपने मस्तक पर रखा है। ऐसा भाव बनाइए कि राधा रानी और श्याम सुंदर के दोनों चरण आपके मस्तक पर हैं। सब भाव बनाइए। अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, ऐसे प्रार्थना कीजिए कि वो सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं, सामने बैठे हैं श्याम सुंदर, कहो हे नाथ हमें स्वीकार कर लीजिए, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, हम पापी हैं हमें स्वीकार कीजिए, हम अधम हैं हमें स्वीकार कीजिए, हे नाथ हम नीच हैं हमें स्वीकार कीजिए, हम दुष्ट हैं हमें स्वीकार कीजिए, हे प्रभु हम जैसे हैं आपके। अब उस छवि को आप लोग अपने हृदय में बसाइए सदा के लिए, चाहे आंखें खुली हों चाहे आंखें बंद हों। बिहारी जी का ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो, भगवान को अपने मंदिर में, मन मंदिर में ऐसे बिठाओ कि चाहे आंखें खुली रखो या आंखें बंद रखो, बस भगवान ही आपकी आंखों में दिखाई पड़े। चाहे आंखें बंद करके देखो, मैं आंखें खोल के रखूं या बंद रखूं, मैं चाहूं तो खुली आंखों में भी बिहारी जी को देख सकता हूं और बंद आंखों में भी बिहारी जी को देख सकता हूं।
हम चाहें तो खुली आंखों से जगन्नाथ जी को देख सकते हैं और हम चाहें तो बंद आंखों से भी जगन्नाथ जी को।